रेलवे ने बुंदेलखंड विकास की राह में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक नई ट्रेन की सौगात दी। यह ट्रेन ग्वालियर से चलकर बिहार के बरौनी तक जाएगी। ट्रेन को बुंदेलखंड के सभी प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया। बुंदेलखंड के रूट पर लगातार नई ट्रेनों का संचालन बढ़ने से बुंदेलखंड के पर्यटन, व्यापारिक और रोजगार विकास को नए आयाम मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि रेल का सफर आम जनमानस को सदैव सुलभ लगा है। और इस रूट पर इलेक्ट्रिक लाइन शुरू होने के बाद तेज गति की ट्रेनों, लंबे रूट की ट्रेनों की उम्मीद लगाई जाने लगी थी, जो नई ट्रेनों के माध्यम से पूरी हो रही है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेन संख्या 01901-01902 ग्वालियर बरौनी के मध्य साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 15 अक्टूबर से किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को ग्वालियर से बरौनी के लिए सुबह 7:25 पर रवाना होगी। उधर बरौनी से ग्वालियर के लिए प्रत्येक शनिवार सुबह 9:15 पर चलेगी। और अगर आपको पूरा टाइम टेबल जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ग्वालियर बरौनी ट्रेन को बुंदेलखंड के दतिया, झांसी, निवाड़ी, मऊरानीपुर, हरपालपुर, कुलपहाड़, महोबा, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट और मानिकपुर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन प्रयागराज बनारस होकर बिहार के बरौनी तक जाएगी। इस ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिसमें एक कोच थर्ड एसी, 10 स्लीपर और 7 जनरल कोच होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कीजिए। रेलवे से जुड़ी हर अपडेट के लिए फॉलो करिए हमारी वेबसाइट बुंदेलखंड न्यूज़.com को और हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ को।